यूक्रेन के आसमान में नफरत, स्वार्थ और अहंकार की दागी गई मिसाइल अब धरती पर दिखा रही है रंग। उस मिसाइल से एक जवान ध्वस्त हुआ, उस वक्त पंद्रह लोगों की जान गई। लेकिन जिस तरह से अमेरिका से रूस के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है, उससे आने वाले दिन रूस का कहना है कि यूक्रेन के आसमान में मिसाइल से मार गिराए गए विमान से उसका कोई लेना देना नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी निष्पक्ष जांच की बात की है, लेकिन अमेरिका का दो टूक ये कहना है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अगर रूस ने यूक्रेन के बागियों को मदद देना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरे हो सकते हैं। इसके जवाब में रूस ने अमेरिका के व्यवहार को बैड सर्जन जैसा बताया है। मिसाइल दागी गई और आसमान में 298 बेगुनाहों की हत्या। हेलो भाई राजीव, कैसा है? बढ़िया भाई, तू बोलो। भाई मैं घर जा रहा हूँ। कब? आज ही। आर्मी वालों ने पूरा एरिया कैप्चर कर दिया है। अच्छा, यहाँ से रिलीफ कैंप लेके जाएंगे। यार बहुत अच्छी बात है, तेरे लिए बहुत खुशी है। मैं जाता हूँ तेरे पीछे पीछे। भाई एक सेकंड होल्ड करना, बेल बजी है, लगता है आर्मी वाले आ गए लेने के लिए। हेलो सुबोध, 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 क्या हुआ? सुबोध का कॉल था, मिलिट्री वाले उसे लेने आने वाले थे, वो घर जाने वाला था। अचानक गोलियों की आवाज़ सुनी और फोन कट गया। हाँ दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। थैंक यू, पर अभी तो 12 भी नहीं बजे। डर किस चीज़ का, अब तो आदत सी पड़ गई है। जब तक इन गोलियों की आवाज़ नहीं आती, नींद ही नहीं आती। बस सब ठीक है। बात कर रहा हूँ। नमस्ते चीचू। बस सब बढ़िया। बस यही है कि 2-3 दिन में आ जाएंगे आर्मी वाले लेने। ओके, आप सब पे ध्यान रखो। तो काट लो। छोड़ो तुम। Thank you.